नोएडा न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण का ही संक्षिप्त नाम है, जो कि प्राधिकरण द्वारा ही रखा गया है। यह 17 अप्रैल 1976 से अस्तित्व में आया और हर साल यह दिन नोएडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में स्थित है और इसके प्रशासनिक मुख्यालय नजदीकी ग्रेटर नोएडा कस्बे में है। आज लगभग सभी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस नोएडा में ही हैं। नोएडा की प्रसिद्धि का दूसरा कारण यहाँ स्थित फिल्म सिटी है। आज यह फिल्म सिटी भारत के मुख्य न्यूज चैनल्स का गढ़ है। यहाँ देश के दो सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस और प्रदर्शनी स्थल भी हैं, जो इंडिया एक्सपो सेंटर एवं मार्ट और दिल्ली इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। नोएडा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थल। नोएडा में हाल के वर्षों में रियल एस्टेट उद्योग में बहुत तेजी हुई है। यहाँ अनेक प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जिनमें वर्ल्ड्स ऑफ वंडर भी शामिल है, जो कि MS इंटरनेशनल मनोरंजन पार्क प्राइवेट लिमिटेड और यूनिटेक लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह जगह परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा बच्चों के जन्मदिन की पार्टियों के लिए भी यह जगह बहुत बढ़िया है। इस जगह खान पान की भी उचित व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ल्ड्स ऑफ वंडर के अलावा नोएडा सेक्टर 18 के पास स्थित द ग्रेट इंडियन पैलेस उत्तर भारत के बड़े मॉल्स में से एक है, जो कि दुनिया के सभी बड़े ब्रांड्स का केंद्र है। इसके अलावा नोएडा में कई अन्य मनोरंजन केंद्र और मल्टीप्लेक्स भी हैं। आलिशान इमारतों के चकाचौंध और ग्लैमर के अलावा नोएडा और नोएडा के आसपास साईं बाबा मंदिर, लोटस टेंपल और इस्कॉन मंदिर आदि हैं। यमुना नदी के पास ओखला पक्षी अभयारण्य शहर से दूर शांति प्रदान करता है और सेक्टर 18 का मार्केट नोएडा का मुख्य शॉपिंग हब है। नोएडा कैसे पहुँचे? नोएडा तक वायु, रेल और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा नोएडा का सबसे निकटतम हवाई अड्डा है। यदि आप नोएडा ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपको बताते चले कि नोएडा तक जाने के लिए कई सुपर फास्ट और पैसेंजर ट्रेन उपलब्ध हैं। नोएडा से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन में गाजियाबाद एवं दिल्ली के रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप सड़क मार्ग से नोएडा जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों की रोड कनेक्टिविटी नोएडा से काफ़ी अच्छी है। वहीं दिल्ली के काफ़ी करीब होने के कारण दिल्ली से भी इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, जब भी आपको घूमने का मन करे तो एक बार नोएडा की यात्रा ज़रूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि नोएडा जाने से पहले उन्हें सारी जानकारी मिल सके। शुक्रिया।